दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे चार मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप रियलमी के किसी भी डिवाइस में स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो। और जो ये चारों मेथड मैं आपको बताऊंगा रियलमी के सभी फ़ोन में ये वर्क करेंगे, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड आता हुआ है थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेने का, तो आपको करना क्या है, सिंपली थ्री फिंगर को ऐसे स्वाइप करना है, आपका स्क्रीनशॉट वो कैप्चर हो जाएगा। अगर इसके साथ आपको किसी पर्टिकुलर रीजन का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, मान लीजिए मुझे सिर्फ इतने एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, थ्री फिंगर को ऐसे होल्ड करके रखूँगा, ऐसी लाइन आएगी और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद टिक पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट है वो पर्टिकुलर रीजन का वो कैप्चर हो जाएगा। तो जो मैंने ये दोनों मेथड बताए आपको बाय डिफॉल्ट अनेबल मिलते हैं आपके सभी डिवाइस में रियलमी के, लेकिन अगर आपने इसको गलती से डिसेबल कर दिया तो मैं आपको सिंपली मेथड बताता हूँ कैसे आप अनेबल कर सकते हैं। आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, यहाँ जाने के बाद आपको आना है कन्विंस टूल में और यहाँ पे आपको जाना है स्क्रीनशॉट पे। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, ये पहले से ही अनेबल आते हैं। अगर आपके फोन में डिसेबल है तो आप सिंपली इसको अनेबल कर सकते हो। पहला जो ऑप्शन हुआ है थ्री फिंगर स्वाइप डाउन, दूसरा ऑप्शन है थ्री फिंगर टच एंड होल्ड, और थर्ड जो है वो है बटन्स का। जो ये थर्ड ऑप्शन आपको सभी फोनों में देखने को मिल जाएगा, चाहे रियलमी ओप्पो वीवो कोई सा फोन यूज़ करते हो, आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। ये सबसे ईजी और कॉमन मेथड है स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का। आपको सिंपली जो पावर बटन है और जो वॉल्यूम बटन है उसको एक साथ टैप करना है, सिंपली ऐसे करते हैं और कैप्चर कर लेता है। ये ऑप्शन सही फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है वो है प्रीव्यू विंडो लोकेशन। इसका होता क्या है, मैंने सिंपली अब इसको लेफ्ट पे क्लिक कर रखा है। अगर मैं स्क्रीनशॉट कैप्चर करूँ ऐसे तो जो मेरे विंडो है वो लेफ्ट साइड शो होगी। अगर कोई बंदा लेफ्ट हैंड से फोन यूज़ करता है तो उसके लिए काफ़ी ईजी इसको होल्ड करना और ऐसे आप एडिट कर सकते हो या फिर शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप राइट हैंड का यूज़ करते हो तो आप वहाँ तक आपका थंब नहीं जाएगा। तो आप सिंपली करना क्या है, इसको राइट पर क्लिक कर देना है। अगर आप मैं स्क्रीनशॉट कैप्चर करूं तो ये विंडो राइट साइड आएगी, आप सिंपली इसको शेयर भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। तो अभी मैंने जो आपको मेथड बताया बाय डिफॉल्ट एनेबल आता है, आपको सभी में देखने को मिल जाएगा ये। अब मैं आपको कुछ न्यू मेथड के बारे में बताता हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, शायद आपको उनके बारे में पता नहीं होगा। सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ आपको जाना कन्विंस टूल में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा असिस्टिव बोल, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसको एनेबल कर देना है। आप इसका यूज़ मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे आपके यहाँ थ्री ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, टैप, डबल टैप या फिर टच एंड होल्ड। आप इन थ्री मेथड्स को मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, गेस्चर ऑपरेशन या फिर टॉप मेन्यू। तो अगर आप टॉप मेन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको बैक में लेकर दिखाता हूँ। तो इस टाइप की आपको एक व्हाइट बॉल शो होगी, आप सिंपली इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये रहा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करता हूँ और ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट। लेकिन जो ये मेथड है मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, जो दूसरा मेथड वो काफ़ी यूज़फुल है। आपको सिंपली करना क्या है, गेस्चर ऑपरेशन पे क्लिक करना है, आपके सामने तीन ऑप्शन ये खुल जाएंगे। गेस्चर पे करने का बाद आपके पास तीन ऑप्शन खुल जाएंगे ऐसे। मैंने इस टाइम पे जो टच एंड होल्ड है उसको स्क्रीनशॉट पे सेट कर रखा है। तो होगा क्या, अगर मैं इसको होल्ड करूँ ऐसे तो एक स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो है डबल टैप। पहले मेरे को स्क्रीनशॉट को यहाँ से रिमूव करना होगा, नन पे क्लिक कर देते हैं। अब इसको सेट करते हैं डबल टैप पे, यहाँ पे जाएंगे और टेक टू स्क्रीनशॉट। इस बार क्या होगा, मुझे इस पर डबल टैप करना होगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये देखिए डबल टैप करूँगा तो स्क्रीनशॉट ये कैप्चर कर लेगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है वो है टैप का, पहले मेरे को यहाँ से इसको रिमूव करना होगा। आप एक टाइम पे किसी एक पे इसको सेट कर सकते हैं, नन पे क्लिक करते हैं और टॉप पे जाएंगे और करेंगे स्क्रीनशॉट। अब मेरे को सिंपली एक बार इसको टैप करना है तो स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर हो जाएगा। इसके साथ जिसकी ट्रांसपेरेंसी है उसको आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। तो ये तो फोर मेथड जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रियलमी किसी भी डिवाइस में। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।